अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद वजन। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे। आज मैं आया था जी उस्ताद मोहतरम उस्ताद हाजी अताला हमायूं साहब की तरफ, और यहाँ पे इनके ब्रीडर कबूतरों का शौक कर रहा था। तो यहाँ से कुछ खास चीजें आपको मैंने दिखानी है, खास तौर पर आपको मैंने जो है ना यहाँ से जरदखे कबूतर दिखाने हैं, और इंशाल्लाह ताला यहाँ से आपको आज शौक करने का बहुत मजा आएगा। सबसे पहले तो उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी सेहत भी है? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका स्पेशली बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और इतनी गर्मी में आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपका पसीने से बुरा हाल हो रहा है, पर आपका बहुत शुक्रिया। और सर वेलकम। इसके साथ शेख वली साहब, इनका भी चैनल है, इनके चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा सारे भाई दोस्त। और साथ में फरूक भाई, और साथ में हमारे दोस्त फैजान भाई, और साथ में अली भाई। तो शौक वगैरह करते हैं, अभी इंजॉय करते हैं। सर जी सबसे पहले ना मैं कह रहा था आज मैं जो है ना दोस्तों को जरा जरदखे कबूतर दिखाएं, और थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में बताना है, क्योंकि एक इनको खत्म कर दिया गया शौक से। मुझे तो नहीं किसी छत पे नजर आते, मैं अभी मतलब शौक करने जाता हूँ नहीं नजर आते, पर आपकी लाहौर में एक ऐसी छत है जो अभी तक इनको उड़ा रही है, इनको सेव किया हुआ, तो उसके पीछे जहरी बात है कुछ खास वजह होगी अभी तक आप इनको साथ लेके चल रहे हैं। तो अभी उनका शौक करते हैं, साथ में आपसे डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह मजा आएगा दोस्तों को। जी अच्छा जी, कबूतर पकड़ के ला रहे हैं, तो ये जर्द का पेयर आया पूरा साहब जी? चले ठीक है, ठीक हो गया। मैं कहता रहा जर्दकों का शौक, क्योंकि आजकल ये देखने को मिलते ही नहीं है, खत्म कर दिया गया है ना ये कबूतर। बस ऐसे ही है, इसकी एज तकरीबन 15 से 17 साल के दरमियान। 17 साल हो गई है माशाल्लाह। अभी भी किसी वक्त कोई अंडे में बहुत स्लिप करनी शुरू कर दी इसने। जारी बात है, ये जितनी हो गई है ये पार, ये पार देखो, ये इसका पल्ला पूरा माशाल्लाह से बेहतरीन, सही है। टेल बन टेल का माशाल्लाह से, और ये है इस कबूतर के पंजे, सही। तो ये हाई फ्लायर कबूतर के लाएंगे ना साजी? बहुत से दोस्तों को जो है ना ये भी डाउट है कि ये शायद लो फ्लायर कबूतर है या जिनको हम न्यू वाले कहते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, पीछे ना लाहौर के कानून बने थे, ठीक है, तो उनमें सारे लाहौर के दफा के सरबरान मौजूद थे, ठीक है, तो कबूतर के मतलब ही डिस्कस हो रहे थे, ठीक है। तो मेरा एक सवाल था लाहौर के तमाम जो बड़े उस्ताद थे, मैं कहा आप मुझे सिर्फ बता दें जो आपके टैडी कबूतरों में से मकोए निकलते हैं क्यों निकलते हैं? टैडियों से जाख भी निकलते हैं, ठीक है, बिल्कुल निकलते और हैं। लाल आंखों में से मकोए निकलते हैं क्यों निकलते हैं? मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो सब उस्ताद ने कहा जी इसका तो जवाब कोई नहीं है, तो मैं फिर आप दर्द को नी वाला कहना छोड़ देना फिर। बिल्कुल सही है, आपके टैडियों में भी वही है। बिल्कुल, अगर आपने कहेंगे नीवी वाले हैं, बेस तो एक ही चल रही है। बिल्कुल सही, तो वही एक दो पेड़ थे ना, एक पेड़ था जो नूह अलैहि सलाम ने कश्ती में रखा था, उसके अलावा दुनिया में कबूतर कोई नहीं है। तूफान अजाबे नूह, बिल्कुल आगे सारी वो इर्तकाई अमल है, उसके बाद कोई कबूतर नहीं है, वही एक पेड़ था, उससे चलते आ रहे हैं, जरदखे लाल के काली आंख वाले, सफेद रंग वाले, काले रंग वाले, अब आप जो मर्जी कहते रहे, जोड़ा एक ही था। बिल्कुल ऐसे ही है, बस इतनी सी बात है। ये मादा है, इसका शो कराऊंगा आपको, ये माशाल्लाह से बेहतरीन। तो साजी इनकी इस छत पे क्या परफॉर्मेंस रही है? ये छत तो मशहूर ही जरदखों की वजह से है। वैसे आशम भाई आपने शेख साहब की वीडियो में देखे हैं लाल आंख वाले, बिल्कुल टैडी भी देखे हैं, लेकिन हमारी शौक मुकम्मल ही तब होता है जब कुछ जर्दा खा बाजी में डला हो। अगर 7 कबूतर लगे हुए ना बाजी में, तो एक या दो बीच में जर्दा खा ना हो तो हमें मजा ही नहीं आता। हालांकि मेरे टैडियो को भी आउट क्लास रिजल्ट है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह को बड़ा बोलना बोला है। लाल आंखों का भी आउट क्लास रिजल्ट है, लेकिन जो इनसे मुझे नशा है, इनसे मोहब्बत है, उनसे नहीं है। वो तो नजर आती है, सारी बात है, पूरी दुनिया ने खत्म कर दिया, सबके लोट में खत्म हो गए, तो आपने संभाले हुए जिसम पर पुर्जा सारा, तो इनका वही है जो हम अपने कसूरी कबूतरों में या लाहौरी जो पुराने कबूतर ना देखते हैं, वो सब चीजें वही हैं, सिर्फ आंख का जो है ना एक वो डिफरेंस। अच्छा इनमें कोई हल्की आंख भी आती है या आंख यही आती है? ये थोड़ी ग्रीनेस में है, एक थोड़ी सी लाइट थोड़ी सी आएगी बीच में, ठीक है, वो भी आपको शो कराऊंगा। ठीक हो गया, ठीक है माशाल्लाह। मैंने कहा दोस्तों को जरा हट के शो करवाया जाए, क्योंकि ये जो है ना बड़ी कमाल के, ये
ये भी उसी नार का बेटा है। ठीक है, जो पहले आपको शो कराया। इनमें कलसीरे, कलदुम्बे और जालदार, ये तीन कलर हैं। हाँ, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन, माशाल्लाह बेहतरीन, पूरा कैंडे में सही। इंशाल्लाह यहाँ से ये देखिए बतख पैरों को अभी आया है, बतख पैरे भी आ जाते हैं। इसमें कभी निकला पूरा बतख पैरा हो? कभी कभी कभार, सही, कोई 8-10 साल बाद या 15 साल बाद कोई निकला। वैसे फिरोजपुरी कबूतरों में मैंने देखे हैं पूरे बतख पैरे। कबूतरों में बतख पैरे कम आएंगे, ज्यादा 35 वाले कबूतरों में बतख पैरे आएंगे। अच्छा, मेरे पास क्योंकि फिरोजपुरी तो वो निकाल देता था बतख पैरे, उसके अंदर गुजरे होंगे पीछे 35 वाले गुजरे होंगे। गुजरे होंगे, सही सही सर। जरदक के दिखाएं। अब ये जालदार कलर आ गया, अब इसकी आंख लाल कर दें, इसको जो मर्जी कह ले, डब वाले कह ले, आंख दूसरी लगा डब वाले कह ले। बिल्कुल, तो जहरी बात है सारे कबूतर ही जो है ना वो बने हुए कबूतर होते हैं, हर एक की अपनी मेकिंग होती है, माशाल्लाह से बेहतरीन, बहुत अच्छे पॉइंटों में कबूतर। आपको इंशाल्लाह आते साल जो उड़ते नजर आएंगे, फिर भी मैं ये दिखाऊंगा, क्योंकि साजी का लगा लंबा सिलसिला चलना उड़ाने का भी, बीच में से जो ब्रेक आई थी ना वो खत्म हो गई है। उस्ताद हसन साहब भी तशरीफ ले आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाए उस्ताद जी, ये देखे ना ये बड़ी शख्सियत अब तशरीफ ला रही है सबसे लेट। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, ये मादी आई है। अच्छा, इनका जिस्म जो है ना वो एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल मेंटेन, जो कबूतर एक मीडियम साइज के आते हैं जो हमारे लाहौर में पसंद भी किए जाते हैं, और टेम्परेचर में यही जिस्म रिकवर भी जल्दी होता है। वैसे जिस्म को सादे मौतों में फर्क पड़ता है आपके मुताबिक? आपका एक पूरा एक्सपीरियंस है, बड़े जिस्म का कबूतर तंग करता है जेट में? नहीं, बड़े वाला तंग नहीं करेगा, छोटे वाला तंग करेगा। छोटे वाला तो अभी तंग नहीं करेगा, जो है ना, हाँ वेट, हाँ वही तंग करेगा, बड़े वेट ना तो उड़ना ही नहीं है। अच्छा, उड़ेगा तंग करना बात तो वही आ गई ना, घोड़े बैठने तो उड़ना ही नहीं है, वो तंग क्या वेट नहीं, जिस्म कबूतर के बाद जिस्म बहुत लंबे चौड़े होते हैं कबूतर, वो दर्शनी पहलवान भी तो कई होते हैं। हाँ, दर्शनी पहलवान, क्योंकि वो वाके ना 12 बजे वो डोरी नहीं छोड़ते फिर, और ये जो है ये 5-6 बजे 4 बजे इजीली निकल के बैठते हैं, आधे घंटे घंटे 2 घंटे में जो है रेडी होते हैं। लो जी, ये मादा भी कमोबेश को 12 से 14 साल की है, 214 साल की मादा है, और लगती ऐसी है कि 2-3 साल की पट्टी नहीं होती जिस तरह, बिल्कुल यंग, बड़ी बात है। ओ गई, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो देख के मजा आया होगा पूरा। आज आपको जो है ना भी थोड़े से शो करो स्लेटी कबूतरों का भी, चले सिर्फ आपने जरदखे आज शो करो, मैं स्पेशली जरदखों के लिए आया था, मैंने कहा खत्म कर दिया लोगों ने, मैं कह रहा हूँ लोगों को नजर आए कि भाई अभी खत्म नहीं हुए, चीजें बाकी हैं, अभी विजिट करवाते हैं वो बड़ा जगह पर। अच्छा, ये स्लेटी दिखाते हैं, माशाल्लाह जी जी उस्ताद मोहतरम स्लेटी आ गए माशाल्लाह जी। ये है जी उस्ताद मोहतरम के स्लेटी को उतर, मैं पूरी आंखों तक जूम करता हूँ ये देखें, माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन, धूम शूम हर चीज के बड़े परफेक्ट माशाल्लाह से जो है ना, सही माशाल्लाह। एक अच्छे कबूतर की हाथ में जो पकड़ने की ग्रिप होती है ना उसी का बड़ा फर्क है। अच्छा, ये बड़ा जग है वो जो हमने शेख वली साहब की वीडियो में कबूतर देखे हैं। हाँ जी, जो आपने जी पट्टा देखा था जो मैंने कहा वो मादी के साथ, पहले पट्टे की मादी के साथ, ये ठीक हो गया, ठीक ये उसका बाप है, ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका जरा डिटेल से शो कीजिएगा, आपको जो है ये इसकी आंख 1, 2, 3, 4, 5 जितने रिंग निकालने हैं निकाल सकते हैं, 5 तो मैंने निकाल दिए, गिन दी आपको वीडियो में। ये वाकई साथ आते होंगे मेरे ख्याल उम्र के साथ जी, बिल्कुल बचपन तो प्लेन होती होंगी, बाकी ये इसके पार हैं परफॉर्मर कबूतर जो है ना, माशाल्लाह बेहतरीन, ठीक हो गया। और ये इसके माशाल्लाह, चलो जी। अच्छा,
इसके साथ जिसके लगाई, ठीक है। वो जो गहरी मादी थी? नहीं नहीं, हाँ गहरी जिसको पट्टा था, ये उसका बाप है। इसे आप देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ये फीके कलर में, ये फीके कलर में जिनको ये। अच्छा, इसका आंख का भी थोड़ा सा डिफरेंस है उनके। सही है, सलारा जो आपने नीचे इसकी पट्टी देखी है ना, वो जेठ में उड़ी हुई है। ठीक है, तीन महीने उड़ रही थी बाजियों में, तो एक महीने रोक ली थी जोड़ों के लिए, तो दो फिर मैं बाजी उड़ाता रहा। ठीक है, उनमें तो 46 में तक मैं तीन बजे तक बैठी हुई है। बड़ा टाइम है, बड़ा टाइम है, 8-9 घंटे का टाइम है, बड़ा टाइम है। ये क्या गोल्डन, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, मैं के हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं जो है ना ये सेटअप दिखाता हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत जो है ना सेटअप बनाया हुआ सादे मोहतरम ने। ऊपर सारे कबूतर बैठे हुए हैं और कबूतर की ये खड़ी होनियाँ सारी देख सकते हैं आप। बाकी जो है इंशाल्लाह अभी गपशप करेंगे। सादे मोहतरम ने नीचे ग्रिट भी डाली हुई है कबूतरों को, तो इनसे इसके मतलब भी पूछ। अच्छा सारी आपने ये ग्रिट डाली हुई है तो इसका कोई डेज रखे हुए हैं कि ये मुसलसल चलती है? मैंने वो कच्ची ईंट जो होती है ना, ठीक है, उसको आदमी के लगवा कर मुझसे से पिसवा के रखी होती है। ठीक है, 12 महीने चलती है। 12 महीने इसमें उसके अलावा भी कुछ चीजें ऐड की? इसमें सुकुफे से डाला हुआ है और तीसरा बारीक चिप्स जीरो की। ठीक है, तीन चीजें। ठीक है, जब सर्दी आ जाती है इसके अंदर फिर मैं 5 चीजें बनाता हूँ। देसी ज्वाइन है और बड़ी इलाची है, लाल मिर्च का बीज है, ऐसे 4-5 और चीजें डाल के फिर सर्दियों में वो डाल दे। सर्दियों में मौसम के हिसाब से कबूतर मेंटेन रहते हैं। सही सही। अभी ये आपको एक और शो करूँगा। ये कौन सा कबूतर? ये फिरोजपुरी कबूतर, फिरोजपुरी। माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह। एक नीचे भी देखा था कबूतर हमने, वो जो है सेम ब्लड चल रहा है ये? हाँ जी तकरीबन सेम। ये माशाल्लाह से इसका पर्पुर सा बिल्कुल स्ट्रेट परों में, और यही पर हैं जो ओढ़ के 3-4 मिनट ऊपर गायब हो जाते हैं। अच्छा भाई, ये आप बहुत कम इधर दोस्त इधर आते हैं, मेरे जो शगीर्द आते हैं ना जी जी, जिनको मैं बच्चे देता हूँ बीच में उड़ाने के लिए, उधर मैं नीचे दफ्तर में बैठा के थे, इधर से ऊपर नीचे ले जाके देता हूँ। सही सही, क्योंकि अभी हर दूसरे घर में तो कोई ना कोई वायरस का सिलसिला चला हुआ। ऐसे ही है, लोग केयर ही नहीं करते सिर्फ, इसीलिए फिर बैठाता हूँ, मैं खुद ही आता हूँ। बिल्कुल सही है। ये शेख साहब ने ले आए हैं, ये खुद उड़ा भी हुआ नीला नीला बकत खा की क्रीक की वजह से लाट उतर गई है, लाट वाला कबूतर। अच्छा सही, ये मेरी ब्लैक टाइगर ब्रीड है। ब्लैक टाइगर, सही, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन कबूतर है ये भी, बहुत अच्छे। ये खास तौर पे ये जो है आपको मैं दिखाता हूँ, ये समझने वाले समझ गए होंगे मैंने इशारा क्या किया। ये मुझे वैसे ये पर बड़ा पसंद है, ये बड़े अच्छे परफॉर्म करते हैं। अच्छा बेटा लाए हम, ये इसका बेटा आ गया। इसके अंदर मादा लगी हुई, इंडियन खुरदनों के नहीं हरे वो जिनको शाहजहांपुरी भी कहते थे, वो भी तो खुरदनों वो भी तो खुरदनों के कहलाते थे। देखता हूं इधर मादी ऊपर बैठी ये माता सही नहीं, ये वो शाहजहांपुरी नहीं, वो तो और चीज है। अच्छा मादी का जिस्म छोटा सा पर आगे से बच्चे बड़े, मादी से तो 1.5 फुट आ गए हैं, बड़े अच्छे कॉम्पैक्ट साइज के बच्चे बनाते हैं। बड़े पर बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये भी घर की है,
छोटी सी। बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह बहुत अच्छे। ठीक है उस्ताद मोहतरम आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, तो इंशाल्लाह फिर भी हाजिर होऊंगा, फिर भी इंशाल्लाह शो करवाएंगे किसी दिन, कोई गपशप करेंगे। और बाकी अली भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, बाकी शेख साहब आपका स्पेशली शुक्रिया, आपकी वजह से हम इधर तशरीफ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें कबूतर भी देखने को मिला, सेटअप भी देखा माशाल्लाह। हसन भाई का भी शुक्रिया, फैजान साहब का शुक्रिया, और साथ में फरूख भाई का भी शुक्रिया। और आपसे आखिर में इजाज़त लेता हूँ, इंशाल्लाह मिलूंगा न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।